इलाज की ओर वाहन चालकों के लिए नई पहल शुरू की गई है। इसको लेकर सभी टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए 5 दिनों का नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। इस क्रम में पटना सिटी के दीदारगंज स्थित टोल प्लाजा पर 5 दिनों का मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों वाहन चालकों के आंखों की जांच की गई, साथ ही उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। इस मौके पर भाजपा विधायक नितिन नवीन भी मौजूद थे। वहीं भाजपा विधायक का कहना था कि टोल प्लाजा की ओर से की जा रही पहल एक सराहनीय कदम है। रोड सेफ्टी के लिए जो मिशन है उसको बहुत ही सार्थक सहयोग मिलेगा। जब हमारे ड्राइवर बंधु ही स्वस्थ रहेंगे, उनकी आंखों की रोशनी बनी रहेगी, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, तो निश्चित रूप से रोड सेफ्टी अभियान को बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। और मैं नितिन गडकरी जी अपने केंद्रीय मंत्री हैं, उनके इस पहल को और विभाग के इस पहल को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति जो अपने जीवन में केवल यापन करने के लिए चालक के रूप में काम करता रहता है, वो अपने निजी जीवन पर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो निश्चित रूप से एक पहल उसके जागरूकता के लिए है और साथ में उनको रोशनी उनकी आँख की बनी रहे, चाहे इसके लिए मुफ्त में चश्मा देने की योजना बनाई गई है। मैं पूरे इस पहल का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और अधिक से अधिक ड्राइवर बंधुओं से चालक बंधुओं का आग्रह है कि NH में कहीं पर भी जाकर इस योजना का लाभ लें। पटना सिटी से रोहन की रिपोर्ट।